जय हो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, वुड नेवर मिस अपडेट्स फ्रॉम चरम मंगल। अब प्रश्न ये है कि मेरे को थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया कि निमित्त सदा निर्दोष है, वो मेरे लिए बाधक बन रहा है, तो उसमें उसका कोई कारण नहीं, मेरे ही अपने कर्म है। लेकिन तब भी मन से जो द्वेष उठता है, मन से जो ज्वाला फूटती है, उसका हम क्या करें? ठीक है, उसका करने के लिए आपको अपनी दृष्टि को परिशुद्ध करना होगा। जैसे जब नज़ारे दिखने बंद हो जाते हैं, जब हमें सामने के दृश्य धुंधले नजर आते हैं, तो हम अपने आँखों के जाले को ठीक करवाने जाते हैं। ऐसे ही जब घटनाएं हमें परेशान करने लगे, तो घटनाओं को बदलने मत जाओ, अपनी दृष्टि के जाले को ठीक करो। ठीक है, अब आपकी दृष्टि भी को सही बनाने का तरीका क्या है? तो दृष्टि को सही बनाने के लिए अनेक तरीके की सम्यक विचारणा करते हैं। सम्यक विचारने को धर्म ध्यान कहते हैं, धर्म ध्यान कहते। ठीक है, अब हम धर्म ध्यान का एक आयाम लाते हैं यहाँ पर, कि हम कैसे घटना को देखें कि हमें उस घटना के प्रति आवेग ना फूटे, द्वेष ना फूटे, है ना। देखो, एक होता है शेर, एक होता है कुत्ता। पुराने लोग ये एग्जाम्पल देते थे, मैं उन पुराने आचार्यों का दिया हुआ एग्जाम्पल आपको देती हूँ। वो कहते थे कि शेर और कुत्ता में क्या फर्क होता है, कि जब शेर को कोई व्यक्ति तीर मारता है, तो शेर तीर को पकड़ने नहीं जाता, शेर तीर मारने वाले को पकड़ता है। कुत्ते को जब कोई व्यक्ति लकड़ी से मारता है, तो कुत्ता लकड़ी को पकड़ता है, जिसने लकड़ी पकड़ी उसको नहीं, वो लकड़ी को पकड़ रहा, उसको लगता है लकड़ी दुश्मन है। ठीक है, तो दो तरह की दृष्टि है, एक शेर वाली दृष्टि, उसको कहते हैं उपादान की दृष्टि, एक कुत्ते वाली दृष्टि जो निमित्त को पकड़ती है वो दृष्टि। ठीक, उपादान को पकड़ोगे मतलब क्या, कि वो उस व्यक्ति के माध्यम से ये घटना मेरे पास आ रही है, और प्रकृति में नियम है कि जो देते हो वो लौट के आता है, तो ये किस तरीके से आ रहा है, वो तो निमित्त बन रहा है, दिया तो मैं नहीं था ना भाई, आपका ही डाक लौट के आपके पास आ रही है, डाक क्या कोई और हो सकता है। अब आपके जो डाक भेजी वो लौट के आई है, तो आपने कभी भविष्य में, भूत में, किसी समय में, भविष्य में नहीं, भूत में, किसी समय में कौन सा ऐसा विचार कल्प कारण प्रसारित किया कि घटना इस तरह से आई आपके सामने, और घटना जिस रूप में आई है उस रूप में आपने नहीं बनाई थी, आपने बनाई अलग रूपों में थी, पर वो सारी अलग 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 पिक्चर्स कनेक्ट होकर के, कलेक्ट होकर के एक नई पिक्चर फॉर्म होकर के आपके सामने आ रही है। आज तो जमाने में हम इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब मूवीज रिकॉर्ड होती है, जब फिल्म बनाई जाती है, तो एक सीन के पीछे कितने सारे शॉट्स लिए जाते हैं, इतने सारे शॉट्स होते हैं, तब जाकर के कोई एक सीन बनता है, और ऐसे सैकड़ों सीन बनते हैं, तब जाकर के 3 घंटे की एक फिल्म बनती है। तो एक घटना हमारी लाइफ में आई है, तो उसमें शॉट्स कितने सारे थे अलग अलग, और कब न जाने कहां शूट किए गए थे, और वे सारे अलग अलग स्थानों पर शूट किए गए शॉट्स इकट्ठे होकर के एक मूवी का रूप लेकर के, घटना का रूप लेकर के आपके सामने आए। अब आपको दिक्कत ये होती है कि आप कहते हो यह घटना तो मैंने कभी बनाई नहीं थी, आपने प्रॉपर वही घटना उसी रूप में नहीं बनाई थी, लेकिन आपने अलग अलग शॉट्स खुद ही तो रिकॉर्ड्स किए थे, और वही रिकॉर्डिंग एक मूवी बन करके प्रकृति के अंदर हमारे सामने आई है, हम सबके सामने आती है, महावीर के सामने, बुद्ध के सामने, वैभवश्री के सामने, भैया आपके सामने, सबके सामने आती है। लेकिन घटना निर्जरित होने के लिए आती है। घटना आती क्यों है? घटना शब्द का मतलब क्या है? घटना कम होना, ठीक है ना। घटना निर्जरित होने के लिए ही आती है। विराट गुरु जी गाया करते, घटना का क्या पुद्गल वह तो भाव प्राण उसमें भरता, घटना का क्या पुद्गल वह तो भाव प्राण उसमें भरता, जड़ से आकर्षित प्राणी का कर्म बंध कारण बनता, अब भी ना समझे विराट तो समझ तेरी अब भी बोनी है, हंसती तेरी उठा पटक पर मंद मंद वह होनी है, तू ही जनक तेरी यह पुत्री चाले तेरी सलोनी यह है,
हंसती तेरी उठा पटक पर। घटना का क्या पुद्गल वह तो, घटना पुद्गल है जैसे कांच के अंदर आने वाला प्रतिबिंब है, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब को मारने जाओ कांच में जो दिख रहा है, कांच फूट जाएगा, प्रतिबिंब मरेगा, प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा, पर बिंब तो मौजूद है ना, तो प्रतिबिंब कहीं और बनेगा। बिंब मौजूद है, प्रतिबिंब इस कांच को तुम फोड़ दोगे कहीं और बनेगा। मत फोड़ने जाओ कांच को, मत उस प्रतिबिंब को दोष दो, जो घटना घट रही है उसका प्रतिबिंब है। कभी 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 कहाँ 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 हमारे कैसे कैसे भाव रहे हैं, विचार रहे हैं, कारण रहे हैं, वो सब कलेक्ट होकर के एक घटना का रूप लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो शेर वाली दृष्टि रखो, जिसने तीर मारा उस तीर को मत पकड़ो। तीर कहाँ से चला था, शिकारी से नहीं, और जाओ गहरे डीप डीप डीप, तब पता लगेगा उस शिकारी को भी उत्तेजित कभी आपके विचार ने किया था और वो लौट करके वापस आया है। और तब अगर राग और द्वेष ना करो तो घटना तो घट के खत्म हो जाएगी, और राग और द्वेष कर लिया तो घटना फिर नई घटना का निर्माण कर देगी। बैलेंस निल हो जाएगा अगर नया एंट्री नहीं की तो, पर नई एंट्री नई ओपिनियन दे डाली, नया रिएक्शन कर लिया तो बैलेंस निल नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कुत्ते वाली दृष्टि मत रखो, शेर वाली दृष्टि रखो, दूर तक देखो, वर्तुल है जीवन, हम जो देते हैं वही लौट कर आता है। जहाँ पत्थर फेंकते हैं रिपल्स पैदा होते हैं सरोवर में, और वे तरंगे लौट करके वापस उस स्थान पर आकर मिलती है जहाँ पत्थर डाला गया था। प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता, हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर जो कुछ आया, अगर महावीर के कान में कीले ठोके गए तो हमें स्टोरी पता है ना कि कीले क्यों ठोके गए, क्योंकि उन्होंने कभी शैया पालक के कान में गरम गरम शीशा डलवाया था। तो हम सब ने अतीत में न जाने कैसे कैसे किए होंगे। और जैन दर्शन इतनी प्यारी बात कहता है कि जो भगवान होते हैं ना, ये वे इंसान ही होते हैं, हमारे जैसे ही इंसान होते हैं, केवल उन लोगों को सही जीना, सही देखना, सही तरीका आ जाता है, इसीलिए वो भगवान हो जाते हैं। तो उनको उनकी जिंदगी में घटनाएं बताई, ठीक है, ऐसी घटनाएं जो हमारी जिंदगी में होती है। बड़ी अद्भुत बात यह है कि उनके तो कान में कीले ठोके गए तब भी वो विचलित नहीं हुए, हमारे तो कान में कभी शब्द आते हैं और वो शब्द हमको कीलों से भी भयंकर प्रतीत हो जाते हैं ना। तो जरा महावीर को याद करो, तो निमित्त कैसा भी आए तब अपने राग द्वेष को दूर करने के लिए धर्म ध्यान विचारो, सम्यक चिंतन विचारो, और सम्यक चिंतन विचारोगे तो समझ आएगा कि प्रकृति में कैसे कैसे व्यवस्थाएं काम करती है, कैसे वर्तुल वापस अपनी चीज क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और चीज़ें जब लौट के आती है तब तक आकार बदल चुका होता है, और इस बदले आकार को हम पहचान नहीं पाते। तो अगर हम राग द्वेष न करें, समझ आ जाए, तो हम अपनी ही नियति पर हंसेंगे। हंसती तेरी उठा पटक पर, मंद मंद वह होनी है। होनी कहते हैं भवितव्यता को, नियति को, डेस्टिनी को। वह जो होनी है ना, वो तेरी उठा पटक पे खड़ी खड़ी हंस रही है। हमारा फ्यूचर हम पर हंस रहा है, क्या कह रहा है कि तू ही जनक तेरी यह पुत्री, तू मेरा पिता है, मैं तो तेरी संतान हूँ। हमारा फ्यूचर, हमारी डेस्टिनी, हमारी भावी हम पर हंसती है और कहती, तू तो मेरा पिता है, मैं तो तेरी संतान हूँ, तू जैसा उठा पटक करता है मैं वैसी बन जाती हूँ, और फिर भी तू दोष मुझे देता है। हाँ, किस्मत कह रही है कि तू दोष मुझे काहे को दे रहा है, तूने रचा मैं तो तेरे, तूने जैसा रचा वैसा मैं बन गया, है या नहीं। हंसती तेरी उठा पटक पर, मंद मंद वह होनी है, वह होनी हंस रही है, तू ही जनक तेरी यह पुत्री, चाले तेरी सलोनी यह है। तेरी तो खुद की चाले ही सलोनी है, खुद पैदा करता और कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं है ना। अगर हम समझ पाए तो हम अंतर में पहुंच पाएंगे, और तब अतीत में जाकर के अपने पास्ट के सारे कर्मों के लिए अपानम वो सिरामी करो, पूरी सद्भावना से भर के सबको खमत खामना करो, अपने अनंत भूत के प्रति वर्तमान में खड़े होकर
साक्षी भाव में आकर के कहो कि मेरे अनंत भूत में मेरे द्वारा जो कुछ भी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जानते अजानते घटित हुआ हो वो सब निष्फल हो निष्फल हो निष्फल हो। प्रकृति में मौजूद किसी भूत से मेरे कोई शिकायत नहीं। खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भुवेशु वैरम मज्जम न कहने। मैं समस्त भूत को क्षमा करता हूँ, समस्त भूत मुझे भी क्षमा करे। प्रकृति में मौजूद किसी घटना से मेरा कोई वैर विरोध नहीं है। प्रतिदिन अपने आप को ऐसा कह करके, ऐसा भावित करके, मात्र कह के नहीं भावित करके, अपने आप को हर पल अतीत से मुक्त करते जाओ। घटनाएं आएंगी, निर्जरित हो जाएंगी, नया प्रतिबंध न हो इतना ही हमारा विवेक हो। हमारी एकमात्र साधना यह है कि उदय कर्म आए तब तो हम नया प्रतिबंध न करें। जय हो।